हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है, मेरी हस्बैंड कहाँ पर है, मैं क्या सिंगल मदर हूँ। सो पूरा जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, लेट्स गो। पता है अकुल क्यों रो रहा है? अकुल हर रोज स्कूल पे ना पेंसिल इरेजर रूलर खोकर आता है, तो बाबा ने कहा इसको, बाबा ने बोला कि इसको पेंसिल बॉक्स मत दो। तो आज ये विदाउट पेंसिल बॉक्स स्कूल जा रहा है, तो इसको पता है कि इसका क्लास टीचर इसको पनिश्ड करेगा, इसीलिए डर के मारे। देखो मैं भी बोलूँगी ऐसे ही करना है, नहीं तो हर रोज़ खोकर आता है, कितना खरीदूँ बोलो। देखो ये चाहिए ना, सुबह को तो इतना काम था कि पूछो मत कैमरा क्या ऑन करो, क्योंकि आज कौनुद्दी नहीं आई है। तो पूरा घर का साफ सफाई, बर्तन वगैरह धोना, कपड़ा वगैरह सब कुछ मुझे करनी पड़ी, ऊपर से कुकिंग भी करनी पड़ी, और क्या। तो अब आकुल आ चुका है स्कूल से, तो उसके लिए थोड़ा सा खाना परोस के रखी हूँ। ये देखो वो अब गई है वॉशरूम फ्रेश होने के लिए, स्कूल से आए हैं ना इसलिए फ्रेश होकर आए। उसके बाद उसको खिला रहा है, क्योंकि नहीं खाएगा तो बहुत रोता है। तो पहले उसको खिला दूँ, उसके बाद मिलती हूँ। अकुल का तो स्कूल से आने के बाद खाना वाना कंप्लीट। ये देखो इधर आ जा, इधर आके दिखा डांस दे रहा कंप्लीट। और मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता ना, इसलिए देखो मैं अब थोड़ी सी कॉफ़ी लेकर बैठी हूँ। सभी भात किए जो उनके गैस हो गए, जस्ट भात यानी चावल खाया है ना, अभी इसको बिस्किट भी खाना है तो गैस हो जाएगा। दो दूध तो बोला थी ना, ना पूरा टूट गया ये बिस्किट। ये जो बिस्किट है ना, चस्का मस्का, चस्का मस्का बहुत ही अच्छा है खाने में। सो फ्रेंड्स, अकुल का स्कूल से लौटने के बाद
जो खाना खाता है वो खत्म हो चुका है और आज खाने में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ है, क्योंकि आज खाने में क्या था बोलो? कार्टून वाला फेस बना के रखा है, चिकन था। चिकन है तो कोई भी दिक्कत नहीं था, तो उसको खिला दिया। अब वॉलनट मेरे हाथों पे है, वो मेरे लिए है, तो मैंने इसको बता दिया कि डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, कार्टून है देखो, खड़े है मेरे पास, थोड़ा अंदर आ जा। सो अब मुझे पढ़ना है ये बुक, और ये बुक का एक स्टोरी है। ये बुक है ओरिथ्रो का, आई मीन अंकुर का। तो अंकुर ने मुझे ना बहुत साल पहले ये बुक दिया था पढ़ने के लिए, तब ना हम लोगों का शादी भी नहीं हुआ था। अभी भी याद है, मैं दिल्ली जा रही थी फॉर शो, तो तब इसने दिया कि चलो ये बुक पढ़ोगे तो तुम्हारा ट्रेन का सफ़र थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ट्रेन में पढ़ी थी, बट थोड़ा सा पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, क्योंकि जिन फ्रेंड्स के संग मैंने उस टाइम दिल्ली जा रही थी, बहुत मज़ा हुआ था, बहुत मस्ती हुआ था, सो ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो उसके बाद मैंने जब आकुल होने वाला था तब थोड़ा थोड़ा सा पढ़ी थी, उसके बाद ज़्यादा नहीं पढ़ी। तो साफ सफाई के टाइम ये बुक मिल गया, तो मैं बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ इस स्टोरी के ऊपर, इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया इसको रीड करना। और ये कौन सा वाला स्टोरी है देखो, हुमर, हुमर वाला स्टोरी है। तो अब मुझे ये रीड करना है। सो चलो एक कप कॉफ़ी के संग इस बुक को रीड करते हैं। एक घंटा हाथों पे है, एक घंटे में जितना रीड कर सकूं तो कर लूं। अब हम लोगों के पास थोड़ी सी टाइम है, इसलिए हम दोनों स्टोरी बुक रीड कर रहे हैं। और हमारे घर में एक रूल्स है, जो स्टोरी मैं पढ़ूंगी वो स्टोरी पढ़ के मैं सुनाने वाली हूँ आकुल को, और जो स्टोरी आकुल पढ़ रहा है वो सुनाएगा मुझे। जब हम दोनों रात को डिनर के बाद सोने बिस्तर पे आ जाते हैं सोने पे, तब हम दोनों एक दूसरे को ये स्टोरी सुनाते हैं। हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं जो अब बोलूँगी, आई होप कि आप लोग समझ पाओगे। तो कोई मेरी यूट्यूब फ्रेंड मुझसे पूछा है कि मेरी हस्बैंड कहाँ है, मैं क्या सिंगल मदर हूँ। तो मैं उसी फ्रेंड को कहना चाहती हूँ कि मोदी चंदा जी, आप शायद मेरी ब्लॉग नहीं देखते हो ठीक से। देखोगे तो आप लोग, आपको पता ही चल जाएगा कि मेरी हस्बैंड कहाँ पर है और मैं सिंगल मदर हूँ या नहीं। सो पूरा ब्लॉग देखिए तो आपको पता चल जाएगा, और कुछ नहीं कहना है। मेरी हस्बैंड मेरे घर में ही रहते हैं, आप पूरा ब्लॉग देखते हैं तो आपको पता चल जाता, नहीं क्वेश्चन करते। और कुछ प्रॉब्लम होता है यूट्यूब का, क्योंकि कुछ मैसेजेस आते हैं और कुछ मैसेजेस नहीं आते हैं, बहुत देर करके आते हैं, तो मैं देखी नहीं शायद, इसलिए इतनी लेट करके आपको आंसर दे रही हूँ। सो मेरी हस्बैंड मेरे घर में ही रहते हैं और मैं सिंगल मदर नहीं हूँ, ऑफकोर्स, क्योंकि मैं हस्बैंड के संग ही रहती हूँ घर पे। अब आई हूँ बाज़ार पर सब्जियाँ खरीदने के लिए, सो चलो सब्जियाँ खरीदते हैं। झींगा कत गो?
ये देखो, ये है झील और झील में देखो कितना सारा बेबी फिश। आज तो गई थी बाजार, सो नाउ आई एम वेरी टायर्ड। इतनी टायर्ड लग रही है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ना प्लास्टिक नहीं यूज़ हो रहा है, और जो हल्का कपड़ा का अब थैलिया आए हैं उसके ऊपर चार्ज लग गया है, आई मीन पर थैलिया 2 रुपीज़ करके। सो चिलीज़ लूँगी 2, यूजली उसका प्राइस देनी पड़ेगी, उसके ऊपर से थैलिया के लिए 2 रुपीज़। तो मैं एक बड़ा वाला बैग लेकर गई थी, सो एक ही बैग में आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, जितना सारा आई मीन सब्जियां लिया, सब एक संग हो गए हैं। सो अब जो है मेरी एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम है, वो है उस थैलिया से पूरा अलग अलग करना है सब सब्जी को। उफ़, ये बहुत बड़ा काम है, उसको अलग करो उसके बाद फ्रिज में रखो। सो अब थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद वो कम करना है, उसके बाद डिनर करना है, उसके बाद सोना है। और सबसे बड़ी बात है, 2-3 दिन हो गया है देखो शैम्पू नहीं किया, कितना इचिंग हो रहा है, शैम्पू मिल नहीं रहा है दुकान पर। ऑर्डर दिया तो उस अंकल ने बोला कि आज लेकर आएंगे, तो आज नहीं लेकर आए तो कल हो जाएगा। तब मैंने बोली अंकल को, अंकल मेरा सर देखो बहुत इचिंग हो रहा है। सो जाकर एक शैचे मिला दुकान पर, उसको लेकर आई, कल शैम्पू करना ही है, नहीं तो इचिंग कर करके मैं तो मर जाऊँगी। सो चलो अब इसको हेयर को कॉम करना है, उसके बाद वो सब्जियाँ को अलग करना है, आई मीन डिफरेंट करके, आई मीन डिवाइड करके रखना है। और यहाँ पर देखो शांत बच्चा, आज बोलोगे ना बाबा को, सॉरी बोलोगे ना, बोलोगे तू रहूंगे मेरे साथ, तू कुछ मैं रहूँ या ना रहूँ तुम सॉरी बोलोगे। बहुत ही नोटी करता है, हाँ ये सच बात नहीं है अकुल, जो तुम कर रहे हो वो बाबा है, इतना एटीट्यूड मत दिखाओ। सो चलो थोड़ा सा रेस्ट ले लूँ, उसके बाद सब्जी की तरफ जाऊंगी। पूरा देखो स्कैल्प पूरा भीग गए हैं। सो फ्रेंड्स, अब तो बैठ चुकी हो, पूरा सब्जियां को यहाँ से निकाल के
दूसरी प्लास्टिक पे डालना है, क्योंकि फ्रिज में रखना है। विदाउट प्लास्टिक रखूँगी तो पूरा सूख जाएगा, इसलिए बहुत काटनी, बहुत प्रेशर, बट करनी तो पड़ेगी। घड़ी में 10 बज चुका है, सो चलो क्विकली कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अब मैं बहुत टायर्ड हूँ, आई होप कि आप लोग देख ही रहे हो। सो आज का वीडियो मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, फिर मिलूँगी कल एक नए वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड सी यू अगेन।